सो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, आज होने वाला है FNDT 88X वर्सेस सोनी MSC V21D के बीच में आउटडोर बैटल ग्राउंड। दोस्तों आज हम देखेंगे कि इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर है आउटडोर के लिए। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप PC मीडिया से परचेस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में PC मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हम बैटल ग्राउंड वीडियो हो या साउंड टेस्ट वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के डिटेल में स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा तो मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको देखना होगा तो प्लीज आप वहां पे से जाकर देख लीजिएगा। एंड अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक भी दे दूंगा। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने आउटडोर बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने सेम फोन से दोनों सिस्टम को कनेक्ट करा हुआ है। दोस्तों ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि रिजल्ट बिल्कुल फेयर रहे। एंड प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। राउंड वन। Round 4.
Don't need opinions, so don't waste my time. I just been living online. My city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. I don't need opinions, so don't waste my time. Then I just been living online. My city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक बैटल ग्राउंड पसंद आ रहा होगा। अब दोस्तों हम आपको फाइनल ट्रैक और प्ले करके सुनाते हैं। दोस्तों इस ट्रैक पे आप वोकल्स क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, लाउडनेस क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी को डिटेल पे सुनिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों मॉडल्स का साउंड बताएगा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा यार कि FNDT 88X ज़्यादा बेटर है या सोनी MSC V21D ज़्यादा बेटर है। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा यार दोस्तों कि आपको इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट लगा। अब दोस्तों मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यार वैसे दोस्तों प्राइस पॉइंट में दोनों मॉडल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट मुझे लगा कि यार आप लोगों को दिखाना चाहिए कि यार इन दोनों में कौन बेस्ट है। एंड अगर आपके मन में कोई डाउट रह रहा होगा कि यार 21D को परचेस करें या FNDT 88X को परचेस करें, तो आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो दोस्तों यार साउंड क्वालिटी में मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे FND जो T88X है वो क्लियर विनर है। साउंड क्वालिटी मतलब आपको हेडफोन्स में क्लियर पता लग गई होगी कि यार साउंड क्वालिटी चाहे वो वोकल्स पे हो, इंस्ट्रूमेंट पे हो, लाउडनेस में हो एंड बेस पे हो, वो हर एक चीज़ पे काफ़ी तगड़ी हमें मिल जाती है। बट दोस्तों अगर हम बात करें 21D की, तो दोस्तों 21D का भी जो साउंड है वो काफ़ी कमाल का है। जैसा कि दोस्तों आप अगर 20,000 तक की रेंज में कोई आउटडोर के लिए पार्टी स्पीकर परचेस करने की सोच रहे हैं, तब आप सोनी MSC V21D को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया साउंड हमें मिलता है एंड लाउडनेस भी काफ़ी कमाल की है। सो उस हिसाब से दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। बट अगर हम कंपेयर करें उसे T88X के सामने, तो दोस्तों यार वहाँ पे ये विनर नहीं है। साउंड क्वालिटी में हमें थोड़ी सी कमी लगी है। बट दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हमने FND T88X वर्सेस सोनी MSC V41D का भी बैटल ग्राउंड करा है, इनडोर पे भी एंड आउटडोर पे भी। उस बैटल ग्राउंड को जरूर से देखिएगा दोस्तों, तब आपको पता लग जाएगा कि यार जो क्वालिटी सोनी MSC V41D में है आउटडोर पे, दोस्तों वो क्वालिटी हमें FND T88X में नहीं मिल पाती है। मतलब लाउडनेस एंड बेस क्वालिटी 41D की हमें ज़्यादा बेटर मिल जाती है। अब आप सबको पता है यार, अभी तो मार्केट में 41D का भी अपग्रेड वर्जन आ गया है, सोनी MSC V42D। दोस्तों उस पर तो साउंड क्वालिटी और तगड़ी हमें मिलती है, मतलब काफ़ी इन्हेंस करा गया है वो 41D से। सो दोस्तों अगर आपका मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार FND T88X को परचेस करें या सोनी MSC V42D को परचेस करें, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप आँख बंद करके 42D को परचेस कर लीजिएगा। आउटडोर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा, बट दोस्तों इंडोर में T88X का भी जो साउंड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप अगर इंडोर के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप T88X को भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा, तो ज़रूर से आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। सो आशा करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, तो सोच कह रहे हैं यार जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।